बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी डियर स्टूडेंट, आज क्लास 9th रियाजी, और इसका जी लगर्थम के कानून जो है वो हमारा पहला कानून हो गया है, तो आज जो है हमारा दूसरा कानून होगा। जी वो दूसरा कानून क्या है? वो है जी लॉग ए, और इसकी पावर है एम बटा एन। ये मुसावी है लॉग ए की पावर एम माइनस लॉग ए की पावर एन। यानी कि इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि उसमें यहाँ पर ज़रब में था, अगर ज़रब था तो यहाँ पर जमा था, इधर तकसीम में है तो इधर माइनस में, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है जी, इसको भी उसी तरीके से हमने इसको हल करना है। वही तरीक़ेकार, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया जी, फ़र्ज़ किया। अब फ़र्ज़ क्या करेंगे कि इसको, ये जो है यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ कि लॉग ए की पावर एम बराबर है एक्स के, और लॉग ए की पावर एन बराबर है वाई के। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या करना है जी, फिर दूसरा स्टेप हमारा था, पहले ये फ़र्ज हो गया, दूसरा है जी कुव्वत नुमाई, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। अब इसको कुव्वत में शक्ल में लिखेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ गया जी ए, इसकी पावर आ गया एक्स बराबर है, इनके जगह चेंज हो गया देखिए, ठीक है, बराबर है एम के, और ये लॉग ख़त्म हुआ, इधर आ जाएगा ए, इसकी पावर हो गया जी वाई बराबर है एन के। ओके जी, अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कुव्वत नुमाओं को, कुव्वत नुमाओं को हल करने से। अब कुव्वत नुमाओं को जब हल करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इनके बल्कि इसके तरफ़ैन को पहले हल करेंगे जी, ठीक है, इसको लिखेंगे ए की पावर आ गया एक्स, ठीक है, और बटे में इसको जब तकसीम, इसको इसमें हम क्या करेंगे, जब तफरीक अमल है तो इसको हम तकसीम करेंगे, तकसीम ए की पावर वाई, और इस तरीके से मुसावी है वही तरीके कर, ठीक है, ए एम सॉरी एम तकसीम एन। ओके हो गया, अगले स्टेप पे हम इसको हल करते हैं जी, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स बटे ए की पावर वाई मुसावी है एम, तकसीम है ना, एम बटे एन जी। ठीक हो गया, आगे जो हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे ए की पावर है एक्स माइनस वाई, और मुसावी इधर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर भी लिखेंगे एम बटे एन जी। बात समझ में आ गई जी? ठीक हो गया, आगे लिखेंगे जी लॉगरिथम, लॉग लेने से, इसका लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग ए इसकी पावर आ जाएगी जी एम बटे एन, मुसावी है किस चीज़ के आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई। ओके ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्स और वाई की कीमत दर्ज करने से। अब जब कीमत दर्ज करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा लॉग ए इसकी पावर है एम बटे एन, मुसावी है
एक्स जो है किसके बराबर है, लॉग ए की पावर एम अलामत माइनस, दूसरा वाई किसके बराबर है, ये वाला ए की पावर एन। लो जी ये पर हमारा जी प्रूव्ड हो गया जी। ओके हो गया जी, ये इतना सा आपका जी मसला था जी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लॉग ए के पावर एम बटा एन मुसावी है, यहाँ पर अगर आपको समझ ना आ रही हो तो सिंपल सी बात यह है, आप ये ना भी लिखा हो ना तो डायरेक्टली आप लिख सकते लॉग ए के पावर एम ये आ गया, और बटे में है तो माइनस लॉग ए के पावर एन, क्लियर। उसके बाद है फर्ज किया इसको हमने ए के एक्स के बराबर, इसको हमने वाई के बराबर, फिर हमने क्या किया है इसको कुव्वत में शक्ल में लिख दिया, कुव्वत में शक्ल में लिखने के बाद इसको हल किया, हल करने के बाद फिर इसका जी लॉग लिया, लॉग लेने के बाद एक्स और वाई की कीमतें पुट करेंगे, ये हमारा मसला हल हो गया जी। ओके हो गया जी, ये था जी हमारा मसला नंबर दो, तो इंशाल्लाह इसके बाद भी इंशाल्लाह हम करते हैं जी मसला नंबर तीन जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।